हाय फ्रेंड्स, तो फिर से एक डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि दुर्गा पूजा है। तो हम लोग को आज घूमने जाने का मौका मिल रहा है क्योंकि दुकान था तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए। दुकान 10 बजे बंद होता तो अभी देखिए 10:10 हो रहा है, रेडी हो रहे हैं बच्चे लोग को थोड़ा घुमा के फिर चले आएंगे। चलो आज है नवमी, महानवमी। आज हम लोग घर में हवन हो गया, माँ का पूजा पूरा कंप्लीट हो गया। आज कल विसर्जन है तो कल तो विसर्जन होगा नहीं क्योंकि कल ट्यूसडे है ना। हाँ। तो देखिए तो फिर वेडनेसडे को होगा ना, वेडनेसडे को विसर्जन एकादशी के दिन। तो देखिए ये है आयुषी का लुक, आयुषी रेडी हो चुकी है फाइनल। ये देखिए ये है हमारी प्यारी अनायश है। कमेंट बॉक्स जरूर बताइए कि आयुषी अनायशा कैसे लग रही है। ये मेरा ये देखो वहाँ सुमन रेडी हो रही है। देखिए तो फ्रेंड्स बहुत देर हो चुका है तो जल्दी जैसे तैसे हो जाए रेडी, बस हम लोग वहाँ जाएंगे। जल्दी जाना है, पापा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ लेट हो गया ना फ्रेंड्स, दुकान तो ऐसे ही 10 बजे बंद होता है। लेट वैसे लेट से निकले, कल तो फिर सुबह हम लोग को उठना है ना दुकान खुलना, हम लोग का दुकान तो बंद नहीं ना अभी पूजा का समय। तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों को मिलते हैं बाहर, अभी लोग निकल रहे हैं, फिर आप लोगों का शेयर करेंगे हम लोग कहाँ कहाँ क्या जा रहे हैं। हम लोगों ने घर से निकलने के बाद ही हम लोगों को बहुत जोर की भूख लग गई थी, हम लोगों ने फुचका खाया और फुचका सारा देखी दुकान वाले का फुचका सारा खत्म हो गया। इतना फुचका खाया कि फुचका ही खत्म हो गया बच्चों लोग ने, हम लोगों ने इतना फुचका खाया कि फुचका ही खत्म हो गया ना। सब इन लोगों ने तो खाया नहीं, सब मैंने खा लिया। भाई देखिए कितना भीड़ देखी है रास्ते में, बहुत भीड़ था, नवमी का रात था। बहुत सुंदर पंडाल था ये, हम लोग पंडाल के अंदर गए, देखिए कितना सुंदर पंडाल। चले आपको हम दिखाते हैं, डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छा था पंडाल का। ये पंडाल बहुत ज्यादा खूबसूरत था, देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखिए आपको सारा डेकोरेशन दिखाते हुए जा रहे हैं। बहुत सुंदर लाइट लगे हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था ये पंडाल को। देखिए कितना सुंदर कृष्ण भगवान का मूर्ति इस तरह से बनाया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा गेट बनाया गया, कितना गेट पे इतने सुंदर सुंदर डिजाइन लगे हुए थे। ये देखिए सारे बटरफ्लाई वगैरह ये सब। हाँ यहाँ पे वाला कोई ऋषि मुनि है या ब्रह्मा है शायद, पता नहीं, ब्रह्मा जी का वो बनाया गया गेट पे। और ये बहुत ही अच्छा से बनाया गया, देखिए कितना हार्ड वर्किंग वाला पंडाल है, देखिए ना अंदर भी बहुत ज्यादा सुंदर, देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया गया। ये शायद पार्वती माँ है। हाँ ये पार्वती माँ ही है। पंडाल पूरा आपका नौ दुर्गा से बना हुआ था शायद, ये अलग अलग तरीके से। हाँ नौ माँ का रूप अलग अलग तरीके से बनाया गया था, देखिए सब अलग अलग माँ का रूप है, बहुत ही प्यारा पूरा। थोड़ा सा लाइट भी बहुत अच्छा धीमा था लेकिन बहुत सुंदर पंडाल, बहुत सुंदर था। देखिए थीम बहुत ज्यादा अच्छा बनाया गया। हाँ ये सब माँ का अलग अलग रूप है, ये कौन सा रूप है पता नहीं मुझे, आपको अगर पता होगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये कौन सा माँ का, ये माँ का कौन सा रूप है, ये कौन सा रूप है सब, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये ऋषि मुनि लोग तप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा थीम से बनाया था। हाँ बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, देखिए एक ऋषि मुनि यहाँ भी है। तो चलिए अब आप लोगों को पंडाल के अंदर लेकर चलते हैं, माँ का दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए पंडाल का मेन गेट है, माँ का की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। देखिए बहुत ही प्यारा अच्छा से बनाया गया था, साइड साइड में लाइट दीपक का लाइट जल रहा था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत लाइट बहुत ज्यादा चकचक नहीं कर रहा था लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा, धीमे धीमे आज बहुत सुंदर लग रहे थे माँ।
तो अभी हम लोग का पंडाल देखना हो गया एक। अभी आयुषी खरीदी है, किंडर जॉय खरीदी है, और आयशा भी खरीदी है। देखिए और मैंने भी कुछ खरीदा। मम्मा ने लिया है कुरकुरे, किंडर जॉय खाने के बाद हम लोग जा रहे थे कुछ और खाने के लिए, लेकिन रास्ते में हम लोग देख लिए कि ये पंडाल ऊपर से मेला लगा हुआ था, बच्चे लोग रुकने वाले, छोटा मोटा एक मेला लगा हुआ था, छोटा मोटा लगा हुआ था, कुछ ज्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो हम लोगों ने पूरा मेला को घूमा नहीं, क्योंकि वो उस दिन बारिश भी हुआ था थोड़ा बहुत, तो कीचड़ वगैरह था। माँ का दर्शन किया, माँ बहुत ही प्यारी लग रही थी, लग रहा था माँ, लग रहा कि अभी बोल देगी। बहुत ही प्यारा था, देख सिंपल में बनाया था लेकिन बहुत सुंदर थे। माँ का माँ बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर। देखिए आयुषी और आयशा को, आप लोग आयुषी हाय कर लिए। भैया देखा तुम दुकान एक और थोड़ा घुगनी खत्म होने के बाद हम लोगों को दिख गए एक अंकल, प्यारे से अंकल का दुकान, जो बहुत सारे से फ्राइज स्नैक आइटम था। हम लोगों ने चलो एक एक करके ले लिया। आयुषी को देखिए किस तरह से बहुत मजा आ गया उसे खा के, मैंने भी खाया। आयुषी ने लिया था प्रॉन, प्रॉन वाला का चॉप, और सुमन ने लिया था अनायशा के साथ, वो खाया चिकन चॉप, और मैंने लिया था फिश फ्राई। ये अंकल का देखिए बोझ लगाते है, तो पूजा था बोल के आज इतना लेट तक खुला था उनका, लेकिन बहुत टेस्टी थी। ने सोचा कि चलो मोमो खा लेते हैं। अनायशा का जीत था और आयशी का तो फेवरेट आप लोगों को पता ही है। और देखिए मुंह, देखिए देखिए मोमो का ये चिकन चीज मोमो था ना। हाँ हाँ हाँ, सूप ठीक ठाक था लेकिन मोमो बहुत ही अच्छा था। हाँ मोमो बहुत टेस्टी था, लेकिन चिकन सूप मुझे थोड़ा ऐसे बाहर का थोड़ा कम पसंद आता है, तो हम पीते भी नहीं है। आयुषी पीती है लेकिन आयु को मजा नहीं आया, उसने नहीं पिया। और देखिए लेकिन मोमो बहुत अच्छा था। हाँ उसके बाद आ गई मोमो खा के, आने के बाद आयु लोगों को अब आइसक्रीम खाना था। अनायशा का तो जीत होता है बाहर निकल, बोला आइसक्रीम खा के हम लोग तब घर जाएंगे। तो अनायशा ने लिया ये रबड़ी, ये सॉरी कौन सा फ्लेवर था, ये काजू या कुछ था ऐसा, लेकिन ले तो ली उसे, लेकिन ये खाना नहीं। जब दीदी को देखी कोनेटा खाता हुआ, तो दीदी का कौन आइसक्रीम चाहिए मुझे। तो फ्रेंड्स ये पार्ट वन यहाँ पे खत्म करते हैं, पार्ट टू को जरूर देखिएगा आप लोग। तब तक के लिए बाय 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 फ्रेंड्स।